गाइस वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड डाइट। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जिसको कि हर कोई डेली यूज़ में इंटेक करते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ आपको बताऊँगी कि उसी रेसिपी को आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। तो हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ ओट्स दलिया के बारे में। आजकल हर घर के लोग, हर जगह लोग अपने डाइट में ओट्स को ज़रूर इंक्लूड करते हैं, लेकिन मैं उसी ओट्स को इस तरह से आपको बताऊंगी कि जिसके चलते उसमें जितने भी न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा बढ़ जाए। उसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है ताकि जब आप ओट्स लें तो उसके जो भी फ़ायदे हैं वो आपके शरीर में पूरी तरह से जाए। तो यहाँ पे मैं आपको आज बताऊंगी कि सबसे पहले कि ओट्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और फिर उसको आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले ओट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, विटामिन B1, B5 और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। साथ में ये क्या होता है कि जो लोग ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करते हैं उसके लिए तो ये बहुत अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ओट्स के क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो वो अपने डाइट में इसको ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि ये वेट लूज़ करने में भी बहुत अच्छा, बहुत आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जो हमारे ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करता है, साथ में ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। और इसके अलावा ये क्या करता है कि जो लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। साथ में ये जो हमारे गट्स के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जो कि हमारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, उसको ये प्रमोट करता है। कहने का मतलब ये इसको बढ़ाता है, जिससे चलते हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। इसलिए हमेशा ओट्स को अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करें। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको कैसे बनाना है। मिल्क ओट्स दलिया बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक पैन में दूध को बॉईल कर रही हूँ। जब दूध पूरी तरह से बॉईल हो जाए तो आप इसमें कोई भी, जो भी आपके पास ओट्स है उसको डाल दीजिए। ये मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद क्या करना है कि गैस स्टोव को थोड़ा देर के लिए कम कर देना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसको जल्दी ही बंद कर देना है। ये देखिए, ये हमारा ओट्स दलिया पक गया है। अब मैं इसका स्टोव बंद कर रही हूँ और किसी बड़े से बॉल में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मेरा ओट्स तैयार हो गया है, इसको मैंने ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले ये मैंने एप्पल जो है उसको कट करके डाला है, तो आपको भी ये एप्पल डाल लेना है। उसके बाद मैं इसमें ये अनार डाल रही हूँ। हाँ, लेकिन डायबिटिक वाले ध्यान दें कि वो लोग वही फ्रूट्स डालें जो कि वो अपने डेली इंटेक में लेते हैं, अनार को वो ना डालें। आपके पास जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें केला नहीं इंक्लूड करा है, क्योंकि जो भी वेट लॉस के लिए चाहते हैं तो उसमें ये केला ना डालें। ऐसे अगर बच्चों या किसी के लिए आपको देना हो तो आप इसमें बनाना भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ये सीड मिक्स कर रही हूँ। तो मैंने इसका जो है सीड के बारे में पुराने वीडियो में आपको बता दिया है, आप चाहें तो इसका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, मैंने पूरा डिटेल बताया। तो इस सीड्स को मैंने क्या करा है, रात को ही भिंगो दिया है। अब मैं इसमें सारे सीड्स को इंक्लूड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर रही हूँ। इसमें आप बादाम, अखरोट, किशमिश, आप जो भी खाते हैं डेली यूज़ में वो डाल सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे ब्लैक किशमिश भी डाला है। लास्ट में यहाँ पे मैं ये जैगरी डाल रही हूँ। आपको अगर नहीं लेना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके जगह पे आप शहद भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है, या आप इसको डिनर में भी ले सकते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे इस रेसिपी को फॉलो करें, और साथ में जो भी मैंने इसमें इंक्लूड करा है वो आप इंक्लूड करके खाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओट्स के आपको जो भी बेनिफिट है इसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राप्त हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।